मैं चलते शॉट में सो सकता हूँ रोल कैमरा रोलिंग एक्शन लाइन मेरा नहीं है दूसरे का लाइन चल रहा है मैं देखते देखते <laughs> really? और मैं उसको ना मैं जब नींद आती है ना तो मैं एक्टिंग का हिस्सा बनाता हूँ कि ना आंख बंद करके इस करेक्टर की बात सुन रहा हूँ बोल रहा है बोला हाँ, <laughs> हाँ। और आप एक्चुअली नैप ले रहे हो? ले रहा हूं। <laughs> मैं लेकिन उसको ऐसे ब्लेंडिंग करते हूँ करता हूँ डायरेक्टर को और ऑडियंस को लगे कि बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ ये कुछ सुन रहा था कई बार हम होता है ना किसी की बात सुनते सुनते हाँ या या तो या या का वो मैं जा रहा होता हूँ पर ये ध्यान रखता हूँ कि ऐसे ना हो जाए तो अपने गर्दन के है। मसल्स को ट्रेंड करके रखा हूँ कि गुरु सोना तो है लेकिन ऐसा झिकना नहीं है पंकज, such a pleasure to have you on Now Binging. I जी. feel like बहुत साल हो गए बात किए हुए जी तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इसके लिए वक्त निकाला अरे नहीं मुझे तो निकालना ही था मैं तो बीच में सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए मैं आपको कॉल करूं हां कभी तो बुलाइए कभी तो कुछ बातचीत करें <laughs> तो इस शो पर पंकज हम ओटीटी की दुनिया को सेलिब्रेट करते हैं और आपने कहा था कि ओटीटी सबसे डेमोक्रेटिक मीडियम है हां लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है कि आज भी आ, उतना ही मतलब मीडियम है जहाँ पर रिस्क लेते हैं जहाँ पर नए एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जो वो एक बहुत एक्साइटमेंट था एक वक्त वो आज भी है कुछ हद तक है भी कुछ हद तक यहाँ भी आ, 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 थोड़ा वो मिलावट और आ, जो जो फिल्मों में होता था वो सिस्टम में कई कई बार मुझे लगता है महसूस होता है प्लेटफॉर्म तो अभी भी डेमोक्रेटिक है लेकिन चूंकि बीच में मुझे भी लगा कि बहुत सी औसत हैं पर तो मुझे लगा वो यहाँ तो ये यह है ना कि डेटा तो हर प्लेटफॉर्म को पता है ना Correct. आंतरिक सच्चाई सबको मालूम है आंतरिक सच्चाई <laughs> <laughs> कि कौन कितना देखा गया कहाँ तक देखा गया तो यही है आपने कालीन भैया की बात की तो कालीन भैया फ्रॉम मिर्जापुर और माधव मिश्रा क्रिमिनल जस्टिस, राइट ये आपके दो मतलब ब्लॉकबस्टर किरदार right? तो तो है राइट तो अगर ये बताएं कि इस लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग में जब आप वही किरदार सालों साल कर रहे हैं सीजन पे सीजन पे कर रहे हैं इसका चैलेंज क्या होता है इसका चैलेंज एक ये होता है मैम कि ऑडियंस ने उस किरदार को पिछले दो या तीन हिस्सों में देख चुके हैं जितने पार्ट आए हैं जैसे मिर्जापुर का थर्ड आना है या क्रिमिनल जस्टिस फोर्थ की बात चल रही है जबकि वो ओरिजिनल जो बीबीसी का शो था उसके दो ही पार्ट बने थे लेकिन यहाँ भारत में चौथे पे हम पहुँचने वाले हैं हाँ। क्योंकि चल गया लोग पसंद करने लगे तो उसमें चुनौतियाँ फिर राइटिंग की आती है वो बहुत बड़ी है मतलब मैं इवन क्रिमिनल जस्टिस टीम को बोला कि दोस्त राइटिंग पे थोड़ा सा और इन्वेस्ट करो और ध्यान दो टाइम लगाओ क्योंकि फिर क्या ना आप जिन कारणों से पिछला पार्ट हिट हुआ है उन्हीं कारणों को सेकंड सीजन में रिपीट करने लगते हैं राइट right. क्या नहीं नहीं वो अच्छा लगा था तो वैसा एक सीन डाल दो वो अच्छा लगा था वो वर्क किया था तो, तो उसमें और एक्टर के लिए चुनौती ये है कि ऑडियंस जब तीसरा सीजन देख रही है तो उनको ऑलरेडी वाकिफ़ है इस करेक्टर से तो उनको लगेगा कि सेम सेम चीज़ रिपीट कर रहा है भाई ये टास्क है उसी चीज़ को रिपीट करने का करेक्टरिस्टिक नहीं बदलेगा वही रहेगा उसकी लाइफ की चुनौतियां बदल सकती हैं कॉम्प्लेक्स या क्राइसिस या उसका व, वो कहानी में एक सिचुएशन सिचुएशन yeah. नहीं आ सकती है बट जो yeah. आदमी का मूल भाव है उस करेक्टर का वो जो सीजन वन में था टू में रहेगा थ्री में रहेगा तो वो एक लगता है कि कुछ सीमित ऑडियंस को ये महसूस होता है कि सेम चीज़ कर रहा है yeah. सेम ही चीज़ करना है उसी का तीसरा पार्ट है तो हम क्या करें yeah. नया कुछ इसमें नहीं कर सकते अगेन मुझे भी महसूस होता है कि एक स्टोरी टेलिंग के लॉन्ग फॉर्मेट में एक सर्टन पॉइंट पे जाके मेकर्स को खुद समझना चाहिए कि अब ये कहानी हो गई hmm. अब इसके बाद इसको रहने दो भले कितना भी हिट हो बट एज एन एक्टर पंकज जब आप कर रहे हो do ever find कि मैं खुद ही बोर हो गया या ये, ये नहीं होता होता है बिल्कुल होता है और वो सबसे कठिन वक्त है कि जब एक्टर ही बोर हो जाए hmm. तो लगता है कि यार कैसे करेंगे क्योंकि हमें काम करने के लिए पैसा रुपया तो सेकेंडरी है पहली है कि वो एक्साइटमेंट हो और चुनौती हो कि कल सुबह क्या करेंगे अब इस रोल में कैसा करेंगे तो वो ख़राब होता है कई बार कि यार अब क्या करेंगे अब मैं ये बात कई मेकर्स को इन दोनों लोग मुझे पास आते हैं कहानी लेकर और मैं बोलता हूँ कि मैं बोर हो चुका हूँ तो अरे नहीं नहीं इतने ऐसे टाइम मैंने हम बोला कि अब नहीं करना है मुझे वैसा टाइम मैनेज कि कहीं से भी रात को आके और दस दिन बचा था जीवन के रखे थे बचा के दस दिन आराम करेंगे वो दस दिन इन्हें दे दो कुछ कर लो तो बोरियत हो जाती है और ख़ास करके वेल रिटर्न ना हो तो अगले पार्ट में लगता है सेम चीज़ तो कर रहे हैं यार पहले ही कर चुके हैं yeah. तो लिखावट पर ओ में हर प्लेटफॉर्म पर नॉट ओ सिनेमा में भी yeah. राइटिंग पे जितना हम खर्च करेंगे उतना ही बेहतर है एक्टर के लिए उतना ही आनंददायक है करते हुए तो पंकज ओ एन जी टू आपकी एज ए फर्स्ट हंड्रेड करोड़ फिल्म है <laughs> जी जी <laughs> तो इसके बाद लाइफ कुछ बदली क्या और भी ऑफर्स आए ऑफर्स तो आते हैं तो बहुत आते हैं लेकिन अभी मैं ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट ले के बैठा हूँ नहीं लाइफ तो कुछ बदली नहीं है नहीं नहीं अब सोच रहा हूँ कि अब अब अगला जो फिल्म करूंगा तो पैसे थोड़े बढ़ा लूंगा बाकी लाइफ तो नहीं बदली अभी भी उसी बोट से आया हूँ और फिर में। हाँ, फिर ऑटो ऑटो में में बैठ के आया हूं। और देखिए आज खुशकिस्मती कि हम जिस ऑटो में बैठ रहे थे उसके पीछे ओ माई गॉड टू का पोस्टर लगा था रियली really? हाँ अक्षय सर और मेरा फोटो तो मैं बोला ये देखो ये भी कमाल ही है तो हमने एक वीडियो भी बनाया है आज मतलब मेरे साथ जो लड़का था उसने बोला सर ये तो ये संयोग है मतलब चलो

यू नो पंकज आई वॉज वॉचिंग जाही कपूर का इंटरव्यू और वो डिस्क्राइब कर रही थी कि आप कैसे एक्टिंग करते हैं सो शी सेट योर वेरी चिल्ड आउट एंड इतना कि अगर शॉट के बीच में भी आप इतना यू आर नॉट गेटिंग नर्वस और कोई एंगजाइटी नहीं है कैमरा uh, अगर आपकी तरफ आ रहा है और आपको प्यास लगी आप नीचे से पानी पी लेंगे वापस रख देंगे और फिर एक्टिंग कर लेंगे शी सेट योर एफर्टलेस लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसी एक्टिंग आप करते हैं जितनी अच्छी एक्टिंग आप करते हैं वो एफर्टलेस हो सकती है आप उसे एफर्टलेस दिखा सकते हैं हाँ देखने में एफर्टलेस लगे। है ना ये आप करते कैसे मैम एक्टिंग एक ऐसा काम है ना जिसमें कंसंट्रेशन की बहुत अधिक जरूरत है और ये मुझे कई बार मेडिटेशन के लेवल का काम लगता है कि आप जब तक चिल्ड आउट ठहरे हुए नहीं रहोगे क्योंकि एक समय पे हमें चार काम करना है मुझे लाइनें याद करनी है लाइनों को करेक्ट ग्राफ से इमोशनल जो भी उसकी रिक्वायर्ड इमोशन है उसके साथ मैं डिलीवर कर कर रहा हूँ या नहीं तो मुझे डिलीवर करना भी है और उसकी मेजरमेंट भी करना है कि ये अधिक हुआ कम हुआ सही हुआ कि नहीं तो ये वो काम है कि एक साथ चार पांच चीज़ें आपको मैनेज करनी है तो इसके लिए मुझे लगता है एक्टिंग ट्रेनिंग में अब ये ये सब हाँ, हालांकि ड्रामा स्कूल के हमारे तीन सालों में रोज सुबह पहली क्लास योगा की होती थी एक घंटे योगा कराते थे हमें लगता था क्यों करा रहे हैं इसका एक्टिंग से क्या लेना देना अब समझ में आया कि एक्टिंग से लेना देना है वो ब्रेन और बॉडी का सिंक करवा रहे थे कि मेरा दिमाग जो एक झूठी इन्फॉर्मेशन दे वो मेरा बॉडी उसको कर एक्सेप्ट करे और ट्रूथफुली एक्सेप्ट करे कि नहीं ये सही खबर आई है तभी हम इमोट कर पाएंगे तो खैर ये करता हूँ और ये करने के पीछे ही एक तो एक्टिंग एक्टिंग की ट्रेनिंग अध्यात्म फिलोसफी लाइफ हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो तमाम चीज़ें हैं ही दूसरी चीज़ है कैमरे से मित्रता मैं टीवी में लगभग 800 से 900 सौ शो डेली शो किया हूँ एपिसोड 800 800, -800 के आसपास तो या सिक्स हंड्रेड तो श्योर होगा ही होगा टीवी ने मुझे आ, मैं कभी कई एक्टर टीवी में चूंकि कई बार होता है कि आप औसत काम बहुत ही बिलो एवरेज कर रहे हैं डेली सोपे छपाई चल रही है मैं उसमें भी आनंद लेता था और मुझे लगा कि ये मेरा चूँकि मैं स्टेज का एक्टर था मैं थिएटर से आया था तो कैमरे के प्रति हमारे हम में एक सहजता नहीं होती क्योंकि हमारी ट्रेनिंग के पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग में कैमरा और सिनेमा नहीं है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिर्फ थिएटर स्टेज की ट्रेनिंग देती है एक्टिंग सिमिलर है लेकिन मीडियम बदल रहा है स्टेज नहीं है ये कैमरा है तो इसकी अपनी एक ट्रेनिंग जरूरी है हर इंडिविजुअल के लिए तो डे वो टीवी ने मुझे वो ट्रेनिंग दिया तो पंकज जो आप एक टेक में करते हैं वो आप रिपीट कर सकते हैं नहीं अगले में थोड़ा अलग होगा कुछ क्योंकि मैं बहुत प्रिपेयर्ड होकर नहीं आता हूँ कि ये ऐसे ही करूँगा क्योंकि मेरा मानना है स्क्रिप्ट राइटिंग फिल्म मेकिंग एक इमेजिनेशन का काम है एक लेखक कुछ इमेजिन करता है उसको पेपर पे उतारता है और फिर कैमरा लाता है एक्ट्रेस लाता है लाइटिंग करवाता है और जो उसने इमेजिन की है उसको वो कैप्चर करना चाहता है कैप्चर करते वक्त वो बोलता है परफेक्शन चाहिए मैं बोलता हूँ ये आपने तो इमेजिनेशन में सोचा था तो इमेजिनेशन का क्या परफेक्शन मैं जो कर रहा हूँ यही उस इमेजिनेशन का परफेक्शन हो सकता है तो जो चीज़ एक इमेजिनेशन में आई है उसमें कैसा परफेक्शन ऑर्गेनिक रहने दो ना कुछ एक ऐसा चीज़ मिलेगा जो आपके इमेजिनेशन से में ना आई हो लेकिन वो इमेजिनेशन को और पावरफुल और इम्पोर्टेंट बना के रख दे माइट बी मोर ट्रू हाँ, हाँ। ज्यादा ट्रूथफुल हो जाए करेक्ट तो क्या सवाल था मैं <laughs> नहीं वो कि एक टेक, में और दूसरे टेक हाँ, में, उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा मैं तय कर फिक्स करके नहीं जाता हूं कि इस सीन को ऐसे ही करना है और आपका पहला टेक सबसे अच्छा होता है या यू नीड टू गेट अप पहला दूसरा बस मैक्स किसी बुरे अवस्था में तीसरा तीसरे के बाद तो मैं लेबर मेरा काम करता है एक्टर काम नहीं करता है really? जी मैं क्योंकि लेबर भी तो है ना सामने वाले ने हायर किया पैसे दिए हैं तो बीस टेक चाहिए करेंगे तो एक्टर पहला दूसरा थर्ड टेक उसके बाद लेबर जो है उसे बीस टेक ले लो कोई दिक्कत नहीं है तो <laughs> मेरा हम लोग इमोशनल लेबर भी तो है ना हंसने गाने रोने के लिए हायर किए जाते हैं चलो तुम वो रो रुलाओ पंकज well, आप मुंबई आए अक्टूबर सिक्सटीन टू और आपने कहा कि मैं हिट होने नहीं आया था मैं कुछ साबित करने नहीं आया था मैं हीरो बनने नहीं आया था पर आप हिट भी हो गए हीरो भी बन गए साबित भी बहुत कुछ कर दिया तो आप कभी सोचते हो कि ये कैसे हुआ मैं सोचता हूँ कि ये कैसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आता कैसे हुआ मैं मुझे रूट नहीं मालूम है इसका मैं किसी को बताना हो कि ये ऐसे होता है तो मैं नहीं बताऊंगा मैं कुछ ऐसे ही वेग सा बोल दूंगा, कि ईमानदारी से लगे रहो हार्डवर्क ज़रूरी है परिश्रम ज़रूरी है समझ होनी चाहिए बट शायद इन्हीं चीज़ों से हुआ होगा एक मुझे लगता है खुशकिस्मत हूँ कि मैं स्क्रिप्टें सही मुझे मिलते गई वो पता नहीं क्यों कहाँ से कि वो स्क्रिप्टें और वो अलग अलग किस्म की थी अगर मैं मिर्ज़ापुर कर रहा हूँ तो कालीन भैया तो कांतीसोरण मुदगल ओ oh माई गॉड में भी एक किरदार है जो इतना डिवाइन है पवित्र है और उसका तो रोल्स स्क्रिप्टें अच्छी मिलती गई इन वजहों से हुआ मैं मुझे मार्केटिंग नहीं आती थी आपके पिछले इंटरव्यू में बोला था कि आप मोटिवेशन और रियलिज्म लेके गए हैं नगर में बोल रहे हैं नहीं चाहिए मुझे मार्केटिंग तब भी नहीं आती थी मुझे आज भी नहीं आती है तो मैं कल बोल रहा था कहीं कि मुझे बेचना नहीं आता है पता नहीं दर्शकों ने कैसे खरीद लिया मेरी मार्केटिंग दर्शकों ने करी है कोई क्लिपिंग्स कोई कतरन निकाल के और सोशल मीडिया पर कोई बच्चा डालता है और मिलियन लोग देखते हैं व्यूज उनके जाते हैं पता नहीं मैं कौन है मैं जानता भी नहीं हुआ बहुत लोगों को जो कहीं मिल गया था मैं उनको वहाँ पर इमोजी नमस्ते सादर बोल देता हूँ तो ये ओ और इंटरनेट आने का आ, क्या कारण है कि ऑडियंस डेमोक्रेटिक हुई है एक व्यक्ति जिसके पास बहुत बड़ा पीआर सिस्टम मेकनिजम ना हो सिर्फ काम आता हो बावजूद उसके उसको लोग पहुंचा देते हैं और वो मेरे केस में हुआ है I was looking at your upcoming movies. उसमें हैं फुकरे थ्री जी स्त्री टू मेट्रो टू मिर्जापुर थ्री क्रिमिनल जस्टिस फोर तो ये इतने सीक्वल्स कैसे हो गए वही मुझे भी नहीं मालूम चला मैम मैं भी एक दिन बैठ रहा था अभी पांच हो गए हैं हाँ। और एक और कोई है तो मेरे को लगा यार शायद मैं इस वक्त हिंदी सिनेमा का पहला अभिनेता हूँ जिसके पांच टू थ्री चल रहे हैं yes. तो मुझे कोई एक नए कहानी सुनाने आए थे मैं बोला मैं पहले टू थ्री फोर से मुक्त हूँ तब तो आपकी कहानी करूँ क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं सिक्वल ये, दो, तीन, चार, तो आप बिंज करते हैं मतलब पूरी रात नहीं बिल्कुल भी, नहीं? बिल्कुल, भी, नहीं। बिल्कुल, भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं ऐसा क्यों ऐसा क्यों कि मेरे को सात घंटा सोना चाहिए और मैं बहुत मैं शूटिंग भी रात दो बजे के बाद नहीं करता हूं पिछले दो तीन साल से मेरा आउट टाइम एक बजे रात में है कि भाई आप पाँच बजे लाइटिंग कर लो मैं छः बजे से चालू कर दूंगा और बारह एक बजे तक छोड़ दो क्योंकि उसके बाद घायल लेबर रहता है पहले तो डे शूटिंग हो तो लेबर रहता है चौथे टेक से नाइट हो तो लेबर भी है वो घायल भी हो चुका है चलते मैं चलते शॉर्ट में सो सकता हूँ रोल कैमरा रोलिंग एक्शन लाइन मेरा नहीं है दूसरे का लाइन चल रहा है मैं देखते देखते <laughs> ऐसा कभी हुआ है हुआ है ऐसा तभी तो बोल शॉट में चलते शॉट में तो कई बार हुआ है ऐसा Really? और मैं उसको ना मैं जब नींद आती है ना तो मैं एक्टिंग का हिस्सा बनाता हूँ कि ना आंख बंद करके इस करेक्टर की बात सुन रहा हूँ बोल रहा है बोला हाँ और आप एक्चुअली नैप ले रहे हो नैप ले रहा हूँ मैं लेकिन उसको ऐसे ब्लेंडिंग करते हुँ करता हूँ डायरेक्टर को और ऑडियंस को लगे कि बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ ये कुछ सुन रहा था कई बार हम होता है ना किसी की बात सुनते सुनते हाँ या या तो या या का वो मैं जा रहा होता हूँ पर ये ध्यान रखता हूँ कि ऐसे ना हो जाए तो अपने गर्दन के मस, मसल्स को ट्रेंड करके रखा हूँ कि गुरु सोना तो है लेकिन ऐसा झिटना नहीं है और कट सुनाई दिया अगर मेरी लाइन नहीं है एक बार तो मैं क्यों भूल गया था नींद में <laughs> वो आ गया और वो लोग बोल नहीं रहा हूँ दो तीन सेकंड का साइलेंस से हुआ बोला कट पंकज जी आपकी लाइन तो बोला आप मेरी लाइन थी हाँ चलो चलो सॉरी फिर से करते हैं मैं सो गया था और मुझे लाइन क्यों मिल भी गया और मैं लेकिन लग नहीं रहा कि सोया है कर, ये आदमी दिस इज जीनियस तो हाँ ये सोने में तो बिंजिंग मतलब इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ हाँ पूरी रात में पूरी रात बिल्कुल अच्छा आप देखते हैं कभी शोज देखते देखते हैं एपिसोड्स देखते हैं एपिसोड्स हूं देखता ना मैं आ, 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 अपने तो देखा ही हूँ मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस और आप जब अपना काम देखते हैं तो आर यू आप एंजॉय करते हैं नहीं क्रिटिकल होता हूं मुझे लगता है यार ये सीन इससे बेहतर हो सकता था इसमें ये खामी है और दूसरों का भी देखता हूं जब टाइम मिलता है तो कभी एक एपिसोड

तो उसमें गया हूँ तो क्या देखने गया था मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा और डिसाइड कौन करता है अगर आप एज अ फैमिली साथ बैठे हो तो आप डिसाइड करते हैं कि वाइफ की योर डॉटर नहीं मेरी वाइफ तो अब मोबाइल में और टीवी पे देख लेती है हाँ। मैं टीवी पे नहीं देखता हूँ मैं जाकर प्रोजेक्टर पे देखता हूँ तो इसलिए दोनों का अपना अपना है उनको वो कभी प्रोजेक्टर पे नहीं जाती है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ये ऑन करो वो ऑन करो स्पीकर निकालो इधर करो उसमें तीन मिनट का इशुअल है उसका पर्दा ऊपर से नीचे गिरा हुआ उनका लगे एक रिमोट दबाव चालू हो गया वो नहीं है उसमें आपको दो तीन बार दो तीन स्विच तक वॉक करने होते हैं मुझे उसमें अच्छा लगता है हाँ। फिर मैं पीछे से फाइव पॉइंट वन बनाऊंगा स्पीकर लाके रखूंगा फिर पूरा तो फिर हटिंग हाँ, करके।, सेटिंग करके तीन चार मिनट के दस मिनट के रिचुअल लग के उसके बाद देखता हूँ फिर अच्छा नहीं लगता कॉन्टेंट तो वहीं से मैं जाके फिल्मी गाने देखने लगता हूँ तुरंत पूरी एक बटन में अब स्विच हो गया और फिर वहाँ से कोई फिल्म के गाने या। कुछ याद आया कि यार वो देखना है अभी मैंने तिथि के कुछ कोई सीन याद आया एक लड़का आया था मैं बोला तिथि नहीं देखो चलो देखो बहुत तो अच्छी फिल्म बहुत अच्छी फिल्म या या अच्छा वो कौन सी परफॉर्मेंस है जिसको देखकर आपने कहा कि मैं भी एक्टर बनूंगा फिल्म का कोई ऐसी थी कोई फिल्म या कोई भी परफॉर्मेंस दैट इंस्पायर्ड एक वो एकदम पहला परफॉर्मेंस जिसने बहुत रूला मतलब असर किया था वो तो एक प्रणीता जायसवाल एक्ट्रेस थे पटना में अंधा कुआ वो तो प्ले था हाँ प्ले था जी। फिल्मों में आ, मुझे याद नहीं बिल्कुल कोई एक फिल्म पर जब से मैं एक्टर बनने की सोचने लगा तो इरफान खान की परफॉर्मेंस इरफान साहब की परफॉर्मेंस से बड़ा प्रभावित होता था तो पान सिंह तोमर बहुत पसंद है मुझे तो, आपने मकबूल देखे मकबूल मकबूल हाँ मकबूल so मैं बहुत बढ़िया था।, yeah. था सिनेमा हॉल में जाके देखे थे हम लोग तो मनोज भैया की सत्या ने ये अभिनय से प्रभावित थे लेकिन अभिनय से ज़्यादा उनका प्रभाव था कि यार ये बेलवा से गए हैं yeah. नदी के उस पार के हैं इवन क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिल रहा था तो चूँकि वो साल ऑनलाइन हो रहा था तो मुझे लगा ही नहीं कि कुछ स्पीच भी होता है थैंक right. मिल गया yeah. उनको बोलते देखा तो मुझे, मुझे मिला था। <laughs> लिए दो सम्मान है नदी के इस पार से आते हैं और मनोज भैया के होने की वजह से वो मेरा असंभव इम्पॉसिबल नहीं है ये जर्नी मैंने तय किया था कि अब चलो अपना झोला उठाओ नदी के इस पार से तुम भी चलो तो वो मनोज भैया की यात्रा बहुत प्रभावित करती है ओम जी का की फिल्में बड़ी उनके एक्टिंग बहुत प्रभावित करती थी मुझे पंकज कपूर जी मकबूल में बहुत बहुत अद्भुत किया yeah, था ना माय गॉड ही वाज अमेजिंग अमेजिंग और ऐसी कोई परफॉर्मेंस है या कभी भी ऐसा होता है कि आप किसी की परफॉर्मेंस देख के कहते हैं कि काश ये मैंने किया होता नहीं ये वो कभी नहीं कब होता कभी नहीं होता कि यार ये रोल मुझे मिल गया होता हाँ। मेरा मेरा ड्रीम रोल जो मिलता है वही होता है हाँ। हाँ, कोई मुझे ड्रीम रोल अलग से नहीं है अच्छा अभी आप स्ट्रीमिंग पे क्या देख रहे हैं बंदा देखी थी मनोज भैया की थोड़े दिन पहले लास्ट अभी अपनी ही इतनी फिल्में देखनी है ना जो बन गई हैं और मेकर्स बोल रहे हैं कि आओ देख लो तीन तीन चार बाकी मैं चूंकि ना देखने के पीछे दो कारण है एक तो मैं ऑलमोस्ट छः दिन शूट करता हूँ महीने हफ्ते में सातवा दिन ऑफ मिलता है तो उस दिन लगता है कि खाना बना लो कुछ और कर लो वो ग्रीन कारपेट पे सफ़ेद बगलों को देख लो जंप करते हुए कहाँ फिर टीवी के स्क्रीन में लगेंगे ये तो काम ही है मेरा वो है कि मैं 24 घंटे में सिनेमा में नहीं जीता हूँ 12 घंटे की शिफ्ट की उसके बाद मेरा लाइफ कुछ और है yeah. फिर सिनेमा ही नहीं है yeah. कि दिन में यही करूंगा रात को यही देखूंगा इसी की बातें करूंगा यही सब मित्र होंगे तो ऐसा नहीं है yeah. Yeah. और आपके फेवरेट शोज अभी रिसेंटली नहीं बट इवन इन द पास क्या रहे हैं कोई ऐसे हैं दैट रियली यू लव्ड एक तो पाउडर हमने ही की थी हाँ, पाउडर अच्छा था समय से पहले आ गया था बहुत वेल रिटेन वेल रिसर्च्ड अतुल सबरवाल ने बनाई थी वो तो अभी भी हमें इनफैक्ट पाउडर के लिए कभी अदाकदा मैसेज ऐसे में से आते हैं किसी किसी के तो वो शो बहुत बढ़िया था बना था वो पसंद था उसका साउंड ट्रैक विपिन मिश्रा ने किया था मैं अभी भी सुनता हूँ कभी कभी गाड़ी में इतना बढ़िया था असल में मुझे जब वक्त मिलता है तो मैं फिर थोड़ी कभी मलयालम की बंगला की फिल्में फिल्में देख लेता हूँ तो मैं मेन स्ट्रीम ट उतना देखता नहीं हूँ मैं हुँ. देखता हूँ थोड़ा सा उस इंडिया स्पेस की कहानिया चाहे फिर हमारे अलग अलग हिस्सों की जो भारत की कहानियां हैं उनको देख लेता हूँ या डॉक्यूमेंट्री मुझे पसंद है हाँ। तो वो देख लेता हूँ हाँ। फिक्शन कम देखता हूँ अच्छा एक एक्टर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है पहले तो आठ घंटे सोना वो सबसे सब जरूरी है <laughs> तो निद्रा आपका नींद पूरी हो जाएगी ना उसके बाद ही कुछ होगा और ज़रूरी चीज़ क्या है सबसे जरूरी बहुत मुश्किल है कि एक चीज़ को पिन पॉइंट करना कि ये ज़रूरी है बहुत मिला जुला है आपका एक डिसिप्लिन लाइफ हो आप जितना फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं बॉडी बिल्डिंग पर उतनी थॉट बिल्डिंग पे भी आपका ध्यान हो आप पढ़ क्या रहे हैं कैसा पढ़ रहे हैं क्योंकि कि आ, कई बार जो स्क्रीन पे जो रेफरेंस मिल रहा है ना वो हमारे इमेजिनेशन को ब्लॉक कर देता है कि हमने देख ली फ्रेम विजुअल क्या है मुझे पता है आप जब पढ़ते हैं तो विजुअल हम बनाते हैं अपना रीड करते हुए तो उससे क्या होता है धीरे धीरे वो इमेजिनेशन की क्षमता हमारी बढ़ती है yeah. मैं एक दिन अपने बारे में सोच रहा था कि मैं बहुत मेरा क्या रहा होगा बचपन मेरे बचपन में ना इंटरनेट था ना मोबाइल था ना गांव में टीवी था रेडियो के सेट थे दो तीन बस तो हमारी कल्पना की शक्ति बहुत स्ट्रांग थी हम बादल से आकृति बनाते थे कि ये घोड़े का है ये हाथी है हम बहुत सारे प्रश्न होते थे हमारे कि कादल जो भी आसपास और उन प्रश्नों का उत्तर हम कल्पना में ढूंढते थे आज की जनरेशन में वो अभाव हो गया क्योंकि हर तरफ स्क्रीन है हमारे हर सवालों का आंसर किसी न किसी डिजिटल मीडियम पे उपलब्ध है तो हमें लगता है अपनी कल्पना मत दौड़ाओ गूगल कर लो तो आप बुक्स काफी पढ़ते हैं बुक्स है? ज्यादा पढ़ता हूँ मैं देखते कम देखते कम है अच्छा अच्छा वो भी काफी नहीं मतलब महीने में एक काद 30 40 पन्ना तो पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन जब समय मिला तो मैं उस पे आसानी से चला जाता हूँ क्योंकि मुझे वो 8 मिनट का स्विच ऑन करने स्पीकर ठीक करने का टाइम नहीं लगता है बिस्तर के साइड से उठाए पढ़ना शुरू किया जब नींद आए तो रख के सो गए अच्छा अगर पिछले कुछ सालों में कोई भी ऐसी फिल्म थी जिसमें आपको लगा कि दिस वॉज जस्ट अमेजिंग ऐसी कोई फिल्म जिसका हिस्सा मैं नहीं किसी या हिस्सा नहीं यू कुड ऑल्सो भी पार्ट ऑफ इट या आप नहीं भी हो वो देखा था मैं बुलबुल यूजुअली बुल।, बुल। हाँ। बड़ी स्टनिंग फिल्म थी वो अनविता की हाँ, yes, हाँ, हाँ, yes, yes. हाँ। तो उसके बाद मैंने वो दोनों एक्टर को मैसेज भी किया था अविनाश और दीप्ति को तो और क्या दिखाऊं मैं मुझे याद नहीं आ रहा है मैं उसमें बहुत कच्चा हूं मैं <laughs> सॉरी बिंजिंग शो का नाम है और इससे संबंधित सारे सवालों में मैं फेलियर हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा लास्ट सेगमेंट है नाउ दिस इज अ आपने कल्पना की बात की तो ये बिल्कुल ही इमेजिनरी कहानी है ये पांच क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू टेल अस की व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन तो अगर आपको छुट्टी मनाने जाना है आप कहाँ जाएंगे मिर्जापुर चंदेरी फ्रॉम स्त्री गुरु जी के आश्रम फ्रॉम से आप कहाँ जाएंगे चंदेरी जाऊंगा हाँ अच्छा है ना? चंदेरी बहुत सुंदर है। या, या। और या। विंटर में, समर में नहीं अच्छा अब इस छुट्टी पर आपके पीछे कोई पड़ जाता है किससे बचकर भागना इजी होगा कालीन भैया सुल्तान कुरेशी या सत्तू भैया फ्रॉम लूडो <laughs> किससे बच के भागना इजी होगा इजी होगा सत्तू भैया ना सत्तू भैया से हाँ, है ना हाँ। वो दूसरे दो तो बहुत हाँ, ही दूसरे दो थोड़े खतरनाक <laughs> लोग हैं सत्तू भैया वैसा है कुछ राहुल तो राहुल चल मेरे साथ क्योंकि उनको वो थोड़े वो हैं थोड़े ज्यादा है, वो Correct. कोई चीज पसंद आ गई तो जा कोई बात नहीं करेक्ट वो दोनों तो मार वो दोनों तो खतरनाक लोग हैं करेक्ट करेक्ट सत्तू भैया से दोस्ती की जा सकती है रंगीन आदमी है थोड़े से तो yes. लाइफ oh, को एंजॉय करते हैं बिल्कुल ही वाज सो लवली आई लव दैट कैरेक्टर अच्छा भागते-भागते आपको एक दोस्त मदद करता है कौन ज्यादा हेल्पफुल होगा भानु फ्रॉम मिमी भरतलाल बिहारी फ्रॉम कागज या बाबूलाल फ्रॉम लोकाचूपी <laughs> बाबूलाल तो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होगा <laughs> वो तो दुष्ट <दूस्ता> आदमी था हाँ, <laughs> हृदय सर वो काइंड था हा? लेकिन वो ऐसे झांकने झोकने की आदत थी उसकी

तो आपका केस किसको लड़ना चाहिए माधव मिश्रा या फिर कांति शरण बुद्घिल ओह वो एक टफ वन माधव मिश्रा क्यों क्योंकि माधव मिश्रा एलएलवी की डिग्री लिए हुए हैं वो ज़्यादा जुगाड़ू हैं राइट right. हाँ वो कांति भाई सिर्फ फैक्ट और ईमानदारी से लगेंगे बाकी उनमें वकील वाली हरकत नहीं है राइट right.

कुछ आस पास सीन में देखा घटित किसी कैरेक्टर की हरकतें दिखा मुझे और वो हाँ। पंकज त्रिपाठी को लगा कि ऐसा ही हरकत कर रहा है हुँ, हुँ। तो धीरे से माधव के मुंह से बुलवा दूंगा <laughs> तो माधव वुड बी अ बेटर ऑप्शन बेटर ऑप्शन हाँ। जीतने की संभावना, संभावना है और थोड़ा ग्रे केस होगा तो भी वो काम आ, आ सकता है कांति भाई ग्रे केस हो तो थोड़ा ये उनको सच्चाई चाहिए हालांकि माधव का भी अंत वो सच के लिए ही लड़ता है थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट है। right. okay, last, अगर आपने आपने किसी कैरेक्टर कैरेक्टर को को अपने ओन हैं तो तो आपके जितने आपने almost 20 years में कैरेक्टर्स किए किसको आप देंगे देंगे? और क्या देंगे? साध्या जी से से। पूछूंगा मसान वाले से, तो कुछ नहीं दूंगा। पूछूंगा घूमना हो गया भारत है <laughs> क्या होता है आ, वो ट्रेन में बैठे जा रहे हैं और देवी जब अलाहाबाद पहुंचती है तो एक फ़ोन कॉल करती है हाँ. कि आपने कहा था कि जो मन में हो उतार देना चाहिए तो मैं अलाहाबाद आ गई हूँ और मैं आज मिलने जा रही हूँ उससे आ, कुछ तो ऐसा था मुझे बात वो फ़ोन करती है हाँ. कुछ बताती है कि मैं पहुंच गई हूँ या मैंने वो उसके घर तक जाके बच्चे से मिल आई विक्की के घर पे आप कहाँ हैं तो बोलते मैं तो ट्रेन में बैठा हूँ और भारत भ्रमण पर निकला हुआ हूँ मेरे सामने खेत दिख रहे हैं बहुत सारे लहलाहाते हुए तो कहाँ जा रहे हैं बोला अभी तो पता नहीं कहाँ जाएंगे अगली जो स्टेशन पे जहाँ अच्छी चाय मिलेगी पहला पड़ाव मेरा वहीं होगा <laughs> तो वो ट्रेन में मिल जाएगी पहली नाइट वही, वही रुकूंगा। तो मैं उनसे पूछूंगा कि पूरा देश घूम लिए क्या अद्भुत है देश हमारा yeah. हर व्यक्ति को देखना चाहिए हर हिस्सा पंकज जो आप एक टेक में करते हैं वो आप रिपीट कर सकते हैं नहीं अगले में थोड़ा अलग होगा कुछ मैं एक्शन अलग कर दूंगा लाइन के पॉजेज अलग हो सकते हैं हाँ। तो उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा मैं तय करके फिक्स करके नहीं जाता हूँ कि इस सीन को ऐसे ही करना है और आपका पहला टेक सबसे अच्छा होता है या, या यू नीड टू तो गेट वार्म ड़ाप? पहला दूसरा बस मैक्स किसी बुरे अवस्था में तीसरा तीसरे के बाद तो मैं लेबर मेरा काम करता है एक्टर काम नहीं करता है really? जी मैं क्योंकि लेबर भी तो है ना सामने वाले ने हायर किया पैसे है पैसे दिए हैं तो वो बीस टेक चाहिए करेंगे तो एक्टर पहला दूसरा थर्ड टेक उसके बाद लेबर जो है उसे बीस टेक ले लो आप कोई दिक्कत नहीं है <laughs>